देखें वो मेरी पुरसोज रातों को मैं जब तारों पे नजरें गाड़कर आंसू बहाता हूँ, तसव्वुर बनके भूली वारदातें याद आती हैं तो सोज दर्द की शिद्दत से पहरों दिल मिलाता हूँ। आपने नाटक किया और उसको रोक दिया गया, इसका क्या जवाब है? जवाब तो यह है कि आप रोए पीटे, आप पुलिस में जाएं, जो पुलिस में गए, क्योंकि जब क्राइम हुआ तो पुलिस में जाना है। लेकिन एज अ कलाकार आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? ऑब्वियसली नाटक करके। किताबें करती हैं बातें, बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, गमों की, फूलों की, बमों की, गनों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? सफदर सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं थे, सफदर सिर्फ एक नाटककार नहीं थे, सफदर सिर्फ एक राइटर नहीं थे, सफदर सिर्फ गीतकार नहीं थे, सफदर सिर्फ गाने में अच्छा उनका शो होता है वही नहीं थे, सफदर एक विचारक थे, थॉट था उनके पास। वो हमेशा क्रिएटिविटी के साथ इस तरह लगता था बंदा कि कोई भी चीज़। और जब उनकी हम किस्से सुनते, मैं कभी सफदर से मिला नहीं, मैं 30 साल हो गए, मुझे 31 साल हो गए जननाट्य में, 32 साल हो गए मुझे 32 ईयर्स में, बेसिकली मैंने अभी तक मैं कभी नहीं जननाट्य में मैं सफदर से कभी नहीं मिला, लेकिन मैंने कभी महसूस भी नहीं किया कि सफदर नहीं है कि जन्म में, जन्म के हर कोने कोने में जब हम देखते हैं तो उसके जर्रे जर्रे में है ना, जिस तरीके से माला काम करती है, जिस तरह से सुधर्मा काम करते हैं, जिस तरह से कविता काम करती है, ब्रिटिश काम करते हैं, पूरा कल्चर काम करते हैं, हम सब लोग मिल के काम करते हैं है ना, तो मुझे लगता है ये सब लोग सफदर हम सब में है, सफदर हम सब में टुकड़ा टुकड़ा है एक्चुअली, लेकिन सफदर है। दरअसल सफदर की क्रिएटिविटी जो थी ना वो उसकी शायरी बहुत ही कहते हैं इम्पोर्टेंट, और उसके बारे में अगर पहचान करें तो उसकी एक पहचान थी उसकी रचना शक्ति, सिर्फ लेखन में नहीं, डायरेक्टिंग में, एक्टिंग में, जो भी वो काम करता था, इवन अगर एक मास्क बनाना है या शोज का ब्यौरा बनाना है उसमें भी वो एक रचनात्मकता जरूर लाता था। तो आई थिंक जब हम जन्म में तरह तरह का नया काम करते हैं तो मैं सिर्फ नहीं और लोग जो सफदर को जानते थे वो सोचते हैं कि यार सफदर को बड़ा मज़ा आता है, ये वाला सीन बड़ा अच्छा लिखा है। तो मुझे लगता है हम जननाट्य मंच में तो डेफिनेटली खुशी से याद करते हैं सफदर को। जन्म के अंदर आई तो धीरे धीरे सफदर के बारे में ज़्यादा जाना, पढ़ा, मलोयश्री से बात होती थी, बहुत जितने भी साथी उस जमाने के थे जो सफदर के साथ काम कर चुके थे उनसे बात होती थी, तो ये एक समझ में आने लगा कि एक ऐसा व्यक्ति था जो कि संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ही एक्टिव था, और उसका एक बहुत ही पुरजोर ये मानना था कि हम संस्कृति और राजनीति को अलग करके नहीं देख सकते हैं, और कला का ये काम है कि वो लोगों के बीच में जाए और लोगों को जाके जो आसपास हमारे घटित हो रहा है उसके बारे में लोगों के बीच में अपनी बात को कहे। सफदर एक तारीख को यहाँ हर दो की रात को डेथ हुई, इनको बहुत बड़ा जुलूस हुआ, एक दिन बाद ही जननाट्य मंच दोबारा से वहीं आके परफॉर्म कर रहा है, उसी शिद्दत के साथ परफॉर्म कर रहा है, वही माला तो वाइफ है, माला ने परफॉर्म किया पूरा नाटक, एक कैसे कर पाए हैं। केडवा की बात सुन सगरे जानवर के बीच में सोचने लगे, पहले भी शेर को बधा बनाया। मैं सच्ची बात बताऊं तो ना तो हौसला था ना ताकत। अगर आप जन कलाकार हैं और मैं 1970 से नाटक कर रही हूँ, पहले इत्ता में, फिर एक और ग्रुप में, फिर जननाट्य मंच में, तो जनता के बीच में जब नाटक करते हैं और इस हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो आपको वहीं से ताकत मिलती है, जनता से। तो आपने नाटक किया और उसको रोक दिया गया, इसका क्या जवाब है? जवाब तो ये है कि आप रोए पीटे,
आप पुलिस में जाएं, जो पुलिस में गए, क्योंकि जब क्राइम हुआ तो पुलिस में जाना है। लेकिन एज अ कलाकार आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? ऑब्वियसली नाटक करके, मतलब ये तो एक बड़ी नेचुरल चीज़ है। तो मैं उसको अपने कोई पर्सनल श्रेय की तरह नहीं देखती हूँ। मेरा मानना है कि जन्ना कमेंट्स एज ए ग्रुप जो वहाँ गया, वो हमारा कमिटमेंट था हमारी ऑडियंसिस की तरफ, मेहनत कश लोगों की तरफ। जन्म जो है वो 1973 में शुरू हुआ था और दिल्ली के अंदर कुछ नाटक करने वाले, जो रेडिकल नाटक करने वाले लोग थे, जो उस समय के स्टूडेंट्स मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, जिसमें सफदर हाशमी भी एक थे, तो उन लोगों ने मिलकर जन्म की स्थापना की। और आइडिया शुरू में यही था कि ऐसे नाटक बनाए जाएं जो जनता के मुद्दों के बारे में बात करें, जनता के बीच जिनको ले जाया जा सके। तो शुरू में जब जन्म बना तो उस समय जन्म बड़े नाटक किया करता था, मंच नाटक किया करता था, और इसी तरह के इलाकों में, मजदूर बस्तियों में, दिल्ली में, दिल्ली के बाहर जाके नाटक करते थे। फिर जब 1975 के अंदर, 73 से 75 तक ये काम हुआ, और जब 1975 में भारत के अंदर इमरजेंसी निकली तो अगले 2 साल तक कोई उस तरह से काम नहीं हुआ। लेकिन 1977 में जब काम करने के लिए वापस लौटे तो ऐसा हुआ कि बड़े नाटक इलाकों में ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो जो ट्रेड यूनियन के साथी थे उन्होंने कहा कि बड़े नाटक ऑर्गेनाइज करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि ट्रेड यूनियन आंदोलन के ऊपर इमरजेंसी का एक बहुत बड़ा असर पड़ा था। तो कहा जन्म के अंदर जब बात हुई तो सफदर ने और अन्य लोगों ने कहा कि अगर हम बड़े नाटक लोगों के बीच में नहीं ले जा पाते हैं तो हम छोटे नाटक लेके जाएंगे। और उसी से ये शुरू हुआ कि हम नुक्कड़ नाटक जो है लोगों तक लेके जाए। मगर काश देखें वो मेरी पुरसोज रातों को, मगर काश देखें वो मेरी पुरसोज रातों को, मैं जब तारों पे नजरें गाड़कर आंसू बहाता हूँ, तसव्वुर बन के भूली वारदातें याद आती हैं, तो सोज और दर्द की शिद्दत से पहरों दिल मिलाता हूँ। सफदर की किताब का कविता है, किताबें करती हैं बातें। ये एक्चुअली इस तरीके से किताब, ये किताब के बारे में लिखी गई कविता अनफोल्ड होती है कि लगता है कि इसमें पूरा का पूरा संसार है। किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, गमों की, फूलों की, बमों की, गनों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में जाना नहीं चाहोगी? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं।